नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रखर गूंज महिलाओं को शुभकामनाएं देता है और आज आप सबको बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं। तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे क्या क्या वजह है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह दिवस अपना राजनीतिक मूल स्वरूप खो चुका है और अब यह मात्र महिलाओं के प्रति अपने प्यार को अभिव्यक्त करने हेतु एक तरह से मातृ दिवस और वैलेंटाइन डे की तरह बस एक अवसर बनकर रह गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानवाधिकार विषय वस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए अभी भी इसे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। सबसे पहला दिवस न्यूयॉर्क शहर में 1919 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसके इतिहास की बात करें तो अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। साल 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग के साथ 4 दिनों का विरोध प्रदर्शन किया था। तत्कालीन रूसी जार को सत्ता त्यागनी पड़ी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया। जिस दिन रूसी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, वह रूस में इस्तेमाल होने वाले जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी और रविवार का दिन था। यही दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च था और तब से इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से रंग हैं? बैंगनी, हरा और सफेद, ये तीनों इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैंपेन के मुताबिक बैंगनी रंग न्याय और गरिमा का सूचक है, हरा रंग उम्मीद का रंग है, सफेद रंग को शुद्धता का सूचक माना गया है। ये तीनों रंग 1908 में ब्रिटेन की वीमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन ने तय किए थे। क्या इंटरनेशनल मेंस डे का आयोजन भी होता है? इसका उत्तर है जी हाँ। इसका आयोजन 19 नवंबर को होता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1990 के दशक के बाद हुई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं मिली है। हालांकि दुनिया भर के 80 देशों में इसे मनाया जाता है। इस डे का आयोजन पुरुषों द्वारा दुनिया अपने परिवार और समुदाय में लाए गए पॉजिटिव मूल्यों के लिए किया जाता है, जिसमें पॉजिटिव रोल मॉडलों की भूमिका को रेखांकित किया जाता है और पुरुषों के बेहतर जीवन को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन किस तरह होता है? क्या इस साल यह आयोजन वर्चुअल होगा? रूस सहित दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। रूस में 8 मार्च के आसपास 3-4 दिनों में फूलों की बिक्री दुगनी हो जाती है। चीन में स्टेट काउंसलिंग की सलाह के अनुसार 8 मार्च को महिलाओं को आधे दिन की छुट्टी मिलती है। इटली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लोग एक दूसरे को छुई मुई का फूल देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रोम में इस चलन की शुरुआत हुई। अमेरिका में मार्च महिला इतिहास का महीना होता है। इस साल जारी होने वाली घोषणा के जरिए राष्ट्रपति अमरीकी महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल आयोजन होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है, जानते हैं? इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है चूज टू चैलेंज। यह थीम इस विचार से चुनी गई है कि बदलती हुई दुनिया एक चुनौतीपूर्ण दुनिया है और व्यक्तिगत तौर पर हम सब अपने विचार और कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। अभियान में कहा गया है कि हम सब लैंगिक भेदभाव और असमानता को चुनौती दे सकते हैं। हम सब महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं। हमें इस आयोजन की जरूरत क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने अपने अभियान में कहा है कि एक शताब्दी के बाद भी हम लोग लैंगिक समानता हासिल नहीं कर पाए हैं।
इतना ही नहीं, यूएन वीमेन के हाल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते वह सब खत्म हो सकता है जो लैंगिक समानता की लड़ाई में पिछले 25 सालों में हासिल किया गया था। कोरोना महामारी के चलते महिलाएं ज्यादातर घरेलू काम कर रही हैं और इसका असर नौकरी और शिक्षा के अवसरों पर भी दिखेगा। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद भी इंटरनेशनल वीमेंस डे 2020 के दौरान कई प्रदर्शन देखने को मिले थे। इनमें से ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन किर्गिज की राजधानी बिश्केक में पुलिस ने दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं को तब गिरफ्तार कर लिया था जब प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर नकाबपोश पुरुषों ने हमला किया था। देश की महिला कार्यकर्ताओं का मानना है कि महिला अधिकारों की स्थिति पहले से खराब हो रही है। हिंसक धमकी और कानूनी मामलों के बाद भी पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। मैक्सिको में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए 80,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पिछले कुछ सालों में महिला आंदोलन की स्थिति लगातार बेहतर हुई है। इस साल अमेरिका में कमला हैरिस के तौर पर पहली काली और एशियाई मूल की महिला उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। साल 2019 में फिनलैंड में नई गठबंधन सरकार चुनी गई जिसका नेतृत्व 5 महिलाओं के हाथों में है। वहीं उत्तरी आयरलैंड में गर्भपात को गैर कानूनी करार दिया गया। इसके अलावा सूडान में सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं कैसे कपड़े पहने इसको लेकर बनाए गए कानून को वापस लेना पड़ा। इसके अलावा इस दौरान मी टू अभियान का असर भी देखने को मिला। इसकी शुरुआत 2017 में हुई जिसके तहत महिलाओं ने इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया में उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया था। अब इसका चलन दुनिया भर में बढ़ा है जो यह बता रहा है कि अस्वीकृत और अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन मामलों में कई हाई प्रोफाइल लोगों को सजा मिली है। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।